एक लड़की थी दिव्या। दिव्या एक स्टूडेंट थी, वो रोज सुबह पढ़ने जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, वो अपने घर से दूर 1 किलोमीटर एक मंदिर था, वहां पे जाकर के पूजा करके आती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी। दिव्या जब भी उस मंदिर में पूजा करने आती थी, वो देखती थी कि कुछ औरतें हैं जो पूजा करने के लिए तो आती हैं मंदिर, लेकिन वो किनारे खड़ी होकर के कोई अपने सास की बुराई कर रहा है, कोई अपने भाई की बुराई कर रहा है, कोई अपने देवर का बुराई कर रहा है, कोई अपने हस्बैंड का बुराई कर रहा है, एक दूसरे से चुगली कर रही है, पूजा कोई कर ही नहीं रहा। तो एक दिन जब दिव्या का हद पार हो गया, वो मंदिर के पुजारी से, नहीं महाराज कुछ महिलाएं आती हैं वहां मंदिर के कोने में खड़े होकर सिर्फ एक दूसरे की बुराई करती है, बोले पूजा करने आती है ना, पूजा करती है ना, पाठ करती है ना, हरि का नाम लेती है, आकर के एक दूसरे से चुगली करती है, इनको तो पूजा करना चाहिए। तो महाराज ने, पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, इसका मैं समाधान तुमको बता दूंगा, तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो दिव्या ने कहा जी महाराज आदेश करें। तो महाराज जी ने कहा कल तुमको एक प्लेट में एक लोटा पानी भर के लाना है, वो पानी लोटा पूरा लबालब पानी से भरा होना चाहिए, और उस लोटे के एक बूंद पानी उस प्लेट में नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा पूजा नहीं करूंगा। बोले ठीक है महाराज जैसी आज्ञा। अगले दिन जब दिव्या अपने घर से निकली तो एक थाली में लोटा रखा और लोटे में पूरा पानी लबालब भर दिया। अब जब पानी भर गया तो इसको ये टेंशन था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ध्यान इधर उधर हो जाए और पानी गिर जाए तो महाराज जी हमारा पूजा ही नहीं करेंगे। तो ये पूरा ध्यान लोटे पे था, बिचारी आराम आराम से धीरे धीरे मंदिर तक पहुंची। और जब मंदिर तक पहुंची तो मंदिर का सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना होता था, अब एक ही कदम बड़ी संभाल संभाल के सीढ़ी पर चढ़ती गई, कहीं एक बूंद पानी छलक कर ना गिर जाए, चढ़ती गई। और फिर लास्ट में वो जब महाराज जी के पास पहुंची, महाराज एक बूंद भी पानी का प्लेट में नहीं गिरा, मैं ले आई सफलतापूर्वक। महाराज जी देखकर बड़े खुश हुए, उसको शाबाशी दी, मेरे को दिखा तुमने बहुत कमाल चीज कर दिखाया, अब दिव्या तो मुझे जवाब दो। बोले जी महाराज पूछिए। बोले दिव्या जब तुम प्लेट में लोटे में पानी भर के घर से निकली थी और यहां तक मंदिर तक आई, क्या तुमको आज कोई चुगली करते हुए दिखा? बोले नहीं महाराज। क्या कोई महिला अपने सास की बुराई करते हुए दिखी? बोले नहीं महाराज। मंदिर के सामने इतने लोग बैठे बात करने को दिखा? बोले नहीं महाराज। तो पंडित जी ने पूछा क्यों नहीं दिखा? बोली महाराज सारा ध्यान इस लोटे के पानी में था, कहीं नीचे ना गिर जाए तो मुझे कोई और कैसे दिखेगा, पूरा ध्यान तो मेरा यही था, मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपकी वो लोटे का पानी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है जिसपे आपका ध्यान हो? अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है लोटे के पानी की तरह, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप देखोगे समाज में के कैसे मार कर रहे थे, के जमीन हड़पा थे, के लेकिन इधर उधर जाता है, आप हमेशा ध्यान कहीं और रहेगा, आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ सब युवा बैठे हैं, युवा भी ऐसे बैठे हैं जैसे बुजुर्ग बैठे हैं, तो थोड़ा सीधा बैठ जाए, लगना चाहिए कि युवा है ना। आप में से